जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम स्वागत है। दोस्तों लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, सब पेपर से कर रहे होंगे। जैसा दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 11th जेपीएससी का पीटी का एग्जामिनेशन 17 मार्च का हुआ था, है ना। और दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले 11th जेपीएससी के पीटी के कटअप के और बारे में। दोस्तों कितना एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों फटाफट कटअप के बारे में आप लोगों के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बता देना चाह रहे हैं 11th जेपीएससी पीटी कटअप, ठीक है, 2024, राइट। तो दोस्तों देखिए आप लोग का ई वार यानी कि ऑन रिजर्व जनरल के लिए दोस्तों आप लोग बता देना चाह रहे हैं, ये आप लोग का 116 से 117 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। और नंबर की बात करते हैं दोस्तों, ये 234 के लमसम आप लोग को रहने वाला है जनरल के लिए दोस्तों। एंड ओबीसी के लिए दोस्तों बात करते हैं, 113 से 115 रहने वाला है, जो कि 228 दोस्तों आप लोग का कटअप जाने वाला है, ठीक है। एंड दोस्तों एसटी की बात करते हैं दोस्तों, एसटी का आप लोग का 108 से 110 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। और इसका टोटल नंबर की बात करते हैं दोस्तों, 222 के लगभग में रहेगा। एंड एससी की बात करते हैं दोस्तों, शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं दोस्तों, 110 से 112 के बीच में आप लोग का कटअप रहने वाला, ठीक है। यानी कि दोस्तों 200 कितना हो जाएगा, हाँ 220 इसका कटअप आप लोग को जाएगा, ठीक है। एंड दोस्तों ईडब्ल्यूएस की भी बात कर लेते हैं दोस्तों, ईडब्ल्यूएस का आप लोग का रहने वाला है कितना, वही 111 से 112 के बीच में ये भी रहने वाला है, ठीक है। इतना मार्क्स आ रहा है, जैसा कि जब बेसिक द्वारा आपसे आप लोग का एक आंसर की जारी कर दिया गया था, उसके हिसाब से अगर आप लोग का इतना आ रहा है, ठीक है, जनरल के लिए इतना, ओबीसी के लिए इतना, एसटी के लिए इतना, एससी के लिए इतना, ईडब्ल्यूएस के लिए इतना अगर आ रहा है, तो आप लोग दोस्तों मेंस की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। क्योंकि मेंस का भी आप लोग को ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, ठीक है, इसीलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए। जो भी आप लोग का जो जो कैटेगरी है सभी का बता दिए, चाहे तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग अगर इतना आप लोग आ रहा है तो आप लोग इतना मार्क्स या क्वेश्चन आप लोग इतना सही हो रहा है, तो आप लोग मेंस की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। एंड दोस्तों मेंस की डेट की बात करें दोस्तों, आप लोग का इलेक्शन के बाद होगा, ठीक है। कब होगा दोस्तों, इलेक्शन के बाद आप लोग का मेंस का डेट घोषित कर दिया जाएगा। और डेट भी आप लोगों को बता देना चाह रहे हैं दोस्तों, ये आप लोग का 15 जून, ठीक है, 15 जून से 25 जून के बीच में आप लोग रहेगा, ठीक है। यानी दोस्तों जब लोकसभा का चुनाव समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप लोग का तुरंत दोस्तों 2-4 दिन में आप लोग का डेट भी घोषित कर दिया जाएगा, और ज्यादा समय भी नहीं देगा। इसीलिए आप लोग अगर आप लोग इतना कटअप में आप लोग फुलफिल कर पा रहे हैं, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के आप लोग अपडेट पाने के लिए जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब इसी प्रकार की वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो